मारवाड़ जंक्शन नगर के डाक बंगले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई से भाजपा केंद्रीय प्रवास पर आए विधायक अशोक अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। यहां अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार रेवड़ियां बांट रही है, खाद्य सामग्री के किट में मिर्ची के पाउडर की जगह ऐसा बुरादा डाल दिया गया जो खाने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार मात्र लुभाने वादे कर लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन जनता इस सरकार से परेशान हो चुकी है। राजस्थान प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध इस सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट की वारदात और हत्या की घटनाएं आम हो गई है। सरकार की नाकामी इसी से नजर आती है कि कई मंत्री भी खुद की सरकार की पोल खोलने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल सरकार की असफलता को देखते हुए सरकार के कई मंत्री और विधायक को भी अब अपने क्षेत्र में लौटने से डर लग रहा है, तो वह सरकार की विफलताओं को खुलकर बता रहे हैं। इसी तरह पूर्व विधायक केसाराम चौधरी ने भी कहा कि सरकार के खोखले वादे की पोल जनता के सामने खुल चुकी है, यह सरकार के केंद्र की योजनाओं को भी अपनी बताकर वाहवाही लूटना चाह रही है। 1000 से अधिक महिलाओं और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, इन सब को बातों को देखते हुए जनता ने पूरी तरह से मन बना दिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा कि हम 3/4 बहुमत से राजस्थान में अमल किया।